अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद सजाद और आप लोग देख रहे हो सजाद मलिक वीलॉग यूट्यूब चैनल। सो प्यारे दोस्तों, एक भाई ने कमेंट किया है कि काले तीतर का गला मारना आखिर कहते किसे हैं। सो प्यारे दोस्तों, आज हम सिर्फ इस एक लफ्ज और इस एक पॉइंट पर बात करने वाले हैं कि काले तीतर के गले मारने से क्या मुराद है, यानी गला मारना किसे कहते हैं। प्यारे दोस्तों, एक मिसाल है, जैसे हर बंदे की आवाज, हर बंदे का एक जो गला होता है, उसकी जो आवाज होती है वो अपनी एक अलग पहचान रखती है। मिसाल जैसे आपका कोई भाई, दोस्त, यार या रिश्तेदार कोई भी जब आपको फोन करता है या जब वो पहली हेलो करता है तो आप उसको फौरन से पहचान जाते हो कि ये तो फलां बंदा बात कर रहा है। इसी तरह सेम टू सेम जब एक काले तीतर को आप एक लंबे अरसे तक के लिए रखते हो तो उसकी अपनी एक अलग आवाज होती है और उसकी आवाज की अपनी एक अलग पहचान होती है। लेकिन जैसे ही थोड़ी सी उसकी तबीयत जो है वो बिगड़ती है, फौरन से उसकी आवाज चेंज हो जाती है। सो ऐसी आवाज को, ऐसी आवाज के साथ जब तीतर बुलाई करता है, सो उसको कहते हैं गला मारना। ठीक है जी, अभी आगे इसकी 2 से 4 5 वजूहात हैं, वो मैं अभी आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपका तीतर ऐसा क्यों करता है और ये हमारे काले तीतर की शौक में ये जो एक पॉइंट है, ये जो एक मोड़ है, ये एक कितनी हमारे शौक में वैल्यू रखता है और ये हमारा तीतर जो है इससे कितना एक बिगड़ सकता है और इससे कितना एक समर सकता है और हमने इसको कैसे साथ लेकर चलना है और ऐसी चीज को हमने कैसे मैनेज करना है। क्योंकि प्यारे दोस्तों, काला तीतर जो है वो एक बुलाई वाली चीज है और बुलाई वाली जो चीज होती है उसके गले का बहुत ज्यादा ख्याल करना पड़ता है। मिसाल अगर एक कबड्डी के मैच को 500 या 1000 बंदा देख रहा है, सो उनका गला इतना मैंने नहीं रखता जितना कि एक अलाउंसर का मैंने रखता है, क्योंकि उसने सबको एंटरटेन करना है और सबको अपनी आवाज सुनानी। अगर उस बंदे एक की आवाज खराब है, सो सारे मैच का निजाम जो है वो फीका पड़ जाए। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक वीडियो का लिंक डाल रहा हूँ, आपने उस वीडियो के लिंक को ओपन करके जो वीडियो आपके सामने आएगी यूट्यूब की, आपने उसको गौर से देख लेना है ताकि आपको इस बात पर आप लोग पहुंच सकें कि एक फिट बुलार और मस्तेल तीतर की जो आवाज होती है उसका जो गला होता है वो कैसा होता है। सो फिर जो है आप बाखूबी इस पॉइंट पर पहुंच सकते हो कि आपके तीतर की आवाज कैसे है। प्यारे दोस्तों, जब आपने अपने तीतर को बुलाई के लिए फिट किया होता है, सर्दियों की खुराकों में रखा हुआ होता है और आपका तीतर जब अपनी मर्जी से, अपने चल लहजे और अपने स्टाइल से मर्जी की बुलाई करता है तो वो एक तीतर की फिट बुलाई होती है। और जब आप अपने तीतर को कभी देखें जी, क्या होता है कि कुछ दोस्त जो है उससे ज्यादा बुलवाई लेने के लिए उसको ज्यादा गर्म कर देते हैं या जो है तीतर का दिल नहीं होता, सो आप उसको मजबूरी के तहत जबरदस्ती बुला रहे होते और आपका तीतर जो अवर और एक्स्ट्रा जोर मारता है, सो ऐसे तीतर को कहते हैं गले का मारना। वो तीतर जो होता है वो गला मार रहा होता है, उसकी जो ओरिजिनल आवाज होती है उससे उसकी आवाज चेंज हो जाती है, सो ऐसे तीतर को गला मारना कहते हैं। अब ये तीतर इस तरह क्यों करता है, इसके पीछे 4 से 5 वजूहात होती है, वो मैं अभी आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मिसाल जब आप अपने तीतर को देखें जी, तीतर हर तीतर के अंदर अपनी बुलाई की कैपेसिटी होती है, नस्ल के हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से और ये सारी चीजें होती हैं, चल और लहजे के हिसाब से। सो हर तीतर के अंदर जितनी बुलाई होती है, जब वो उतनी बुलाई करता है सो उसको कहते हैं अपनी मर्जी की बुलाई। लेकिन जब आप उसको मजबूरी के तहत बुलाते हो, ज्यादा जब आप अपने तीतर को गर्म कर देते हो, सो उस टाइम आपका तीतर जो है वो गला मारना शुरू कर देता है। कभी गलती से आप अपने तीतर को ठंडा पानी दे देते हो, सो उससे आपका तीतर जो है वो गला मारना शुरू कर देता है। इसके अलावा जी, जब बहुत ज्यादा आप ठंडी गिजाएं और ठंडी चीजें, उसको खीरा, कद्दू, तोरी, टिंडा, इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल करवा कर आप अपने तीतर को ठंडा कर देते हो, सो उस सूरत में आपका तीतर गला मारना शुरू कर देता है। या कोई ठंडा मस्ती वाला पानी आप बनाकर अपने तीतर को दे देते हो, सो ऐसी सूरत में आपका तीतर जो है वो गला मारना शुरू कर देता है। मिसाल के तौर पर काले तीतर की एक ना दरमियान होता है, ठीक है, जब दरमियान की हालत होती है वो फिटनेस की हालत होती है, जब उस दरमियान से आप तीतर को बहुत ज्यादा बुलाई लेने के लिए आप गर्म कर देते हो तब भी आपका तीतर गला मारना शुरू कर देता है। उस दरमियान से अगर आप तीतर को पीछे ले आते हो, बहुत ज्यादा ठंडा कर देते हो, सो फिर भी आपका तीतर जो है वो गला मारना शुरू कर देता है। और ऐसा क्यों होता है, सेम टू सेम जैसे इंसान का गला खराब होता है, सो वो जब बोलता है तो उसका ज्यादा जोर भी लगता है,
उसको बोलने में गले में दर्द भी होता है, गले के अंदर खराश भी पैदा हो जाती है और जो बोलना होता है वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। सेम टू सेम आपका तितर भी इसी तरह हो जाता है। जब आप उसको दरमियान की हालत में रखते हो, फिटनेस की हालत में रखते हो, जितनी उसके अंदर क्वालिटी होती है उतनी उससे बुलाई लेते हो, ना उसको ज्यादा गर्म करते हो ना ठंडक करते हो, तो तब जो आपका तितर आपको बुलाई देता है वो फिटनेस फिट हालत में आपको बुलाई देता है। लेकिन जैसे आप ज्यादा गर्म कर देते हो ज्यादा बुलाई के चक्रों में, तब भी तितर गला मारना शुरू कर देता है। जब ज्यादा ठंडा कर देते हो तब भी आपका तीतर गला मारना शुरू कर देता है। और प्यारे दोस्तों ये एक बड़ा नाजुक और नफीस पॉइंट होता है। अगर खराब गले की सूरत में आप अपने तीतर से दो या चार दिन बुलाई ले लेते हो और इस चीज को आप जज नहीं करते और इस पॉइंट को आप नोटिस नहीं करते हो कि क्या आपका तीतर जो है वो गला मार रहा है या वो फिटनेस की बुलाई कर रहा है, सो आपका तीतर जो है वो दिन ब दिन पीछे आता है बजाय कि आपका तीतर फिट हो जाए। सो एक अच्छे मालिक का सेवा ये होता है कि जितनी तीतर के अंदर पावर हो, जितना तीतर के अंदर दम हो, जितना परिंदे के अंदर क्वालिटी हो, उसके मुताबिक फिटनेस की हालत में उससे बुलाई ले ले जितनी उसके अंदर क्वालिटी हो, ना कि मजबूर करके उसको ज्यादा बुलवाए, ना कि गर्म करके उसको ज्यादा बुलवाए और ना ही ठंडा करके उसको ज्यादा बुलवाने की कोशिश करे। सो जब एक शौकीन और अच्छे और पुराने उस्ताद जो होते हैं वो तीतर की फिटनेस की हालत में उससे बुलाई लेते हैं, उनको पता चल जाता है एक से दो महीने या ज्यादा से ज्यादा एक सीजन रखने में कि ये तीतर कितने पानी में और कितने दम में है। सो तीतर अगर म्यार पर उतरता है तो ठीक है, वरना फिर वो तीतर जो आगे सेल आउट हो जाता है। ना कि आप परिंदे पर तजर्बे करते रहो और ना ही उसके साथ ज्यादती करते रहो। सो प्यारे दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि तीतर का जो गला मारना है इसकी आज आपको बाखूबी समझ आ गई होगी कि इसको गला मारना तीतर का किसे कहते हैं। सो लास्ट में हमेशा की तरह आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बआसानी आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पर वसूल हो सके। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह।